भारत मजबूत कमल से है रोशन भगवा दल से, मुश्किल से जनता निकली कांग्रेसियों के दलदल से, मुश्किल से जनता निकली कांग्रेसियों के दलदल से, विपक्षियों को इसी की टेंशन है। और अमित शाह बोल रहे हैं बरसों का ये शासन है। अब सुनिए, थैंक यू दीपक जी। अगले 35 सालों तक भाजपा और खिलेगी, सिर के बल हो जाए सारे, बीजेपी नहीं हिलेगी, बीजेपी नहीं हिलेगी। वो क्यों नहीं हिलेगी? ये भीतर तक है सॉलिड, रखते जड़ से मजबूती, और एक फैमिली के चक्कर में किस्मत पंजे की फूट, एक फैमिली के चक्कर में किस्मत पंजे की फूटी। भाजपा में अनुशासन, कांग्रेस में मक्खन बाजी, और गठबंधन में कन्फ्यूजन, भाजपा में सब राजी, जनता में भली रेपुटेशन है। और अमित शाह कह रहे बरसों का ये शासन है। थैंक यू। और ये राजनीति कैसे कर रहे हैं? कांग्रेसियों की पॉलिटिक्स देखना, इशारों में बात कर रहा हूं, कविता समझने वाले ताली बजा सकते हैं बाद में। हंगामे पर है चुप्पी, चुप्पी पर है हंगामा, हंगामे पर है चुप्पी, चुप्पी पर है हंगामा, ये पब्लिक सब है जानती, क्या सच है क्या है ड्रामा, क्या सच है क्या है ड्रामा। और आप हो तुष्टिकरण के दाता, एक मजहब को ही साधा, और दो पुण्य से क्या कर लोगे, हैं पाप बहुत ही ज्यादा, हैं पाप बहुत ही ज्यादा, हैं पाप बहुत ही ज्यादा। कांग्रेस हवाबाजी में एक चीज आएगी, आप समझ जाओगे और ताली बजाओगे अपने आप। कांग्रेस हवाबाजी में बस रोज ही बक बक करती, जैसे बुझने से पहले लालटेन है भक भक करती, जैसे बुझने से पहले लालटेन है भक भक करती, खत्म हुआ इनका सब ईंधन है, भूखा इनका इंजन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। भाई आपने जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस को एक्सप्लेन किया है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। भाई आपने बहुत अच्छा संदर्भ लिया। अब इलेक्शन का समय है, जम्मू कश्मीर सारी चीजें हो और हरियाणा हर जगह, पर तस्वीर बदली है साहब, और सच्ची तस्वीर बदली, ये आज के नौजवान भी जानते हैं। मैं चार चार पंक्तियां दे रहा हूं, देखिए जरा। आतंकी दस्ते टोलियों की गूंज नहीं है, नफरत से भरी बोलियों की गूंज नहीं है, नफरत से भरी बोलियों की गूंज नहीं है। कश्मीर में पहले से बहुत चैन अमन है, कश्मीर में पहले से बहुत चैन अमन है, घाटी में वो बम गोलियों की गूंज नहीं है, घाटी में वो बम गोलियों की। और खुद कश्मीर क्या कह रहा सुने, मिलजुल के सभी प्यार से है कितना रह रहे, पत्थर के दिन हवा हुए न धमकी रह रहे, पत्थर के दिन हवा हुए न धमकी सह रहे। 370 को जब से हटाया है मोदी जी, 370 को जब से हटाया है मोदी जी, खुशहाल है बहुत सभी कश्मीरी कह रहे, खुशहाल है। और देखिए देखिए सीएए की बात हो रही थी आपके सामने, लिविंग एग्जांपल अभी तुरंत का, सीए क्या है, चार पंक्तियां, देश की ऊंची सोच की पंक्तियां देखिए, कि केवल न कहें आप एक विधान सीएए, विधान मींस लॉ, केवल न कहें आप एक विधान सीएए,
है पीड़ितों के हक में ये निदान सीएए है पीड़ितों के हक में ये निदान सीएए। देखो ना इसे धर्म के मजहब के चश्मे से, देखो ना इसे धर्म के मजहब के चश्मे से, शरणार्थियों को जीने का सम्मान सीएए, शरणार्थियों को जीने का। और अभी एक बयान, खड़गे जी बहुत सीनियर नेता हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वही कहा जाता है कि सोच समझ करके बोलना। तब मैं चार पंक्तियां, अभी इन्होंने जहर कहा, विष कहा, ये सब ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ही सुने। शब्दों को संस्कारी तराजू पे तोलिए, शब्दों को संस्कारी तराजू पे तोलिए, जो बोलना है सोच समझ करके बोलिए, जो बोलना है सोच समझ करके बोलिए, मर्यादा लोकतंत्र की न भंग कीजिए, मर्यादा लोकतंत्र की न भंग कीजिए, मुंह खोलने से पहले मन की गांठ खोलिए, मुंह खोलने से पहले मन की गांठ। और बहुत आभार। और लपेटे में नेताजी के इस मर्यादित मंच से जो देश की बात कहता है, अभी जो हो रही जो कलकत्ता और ये सारी घटनाएं, बंगाल, सारा चीज हो रहा है, मैं इस देश को एड्रेस करते हुए एक पंक्तियां देना चाहता हूं, न पक्ष न विपक्ष, देश को एड्रेस करते हुए कि लहू लुहान हर गांव गली हर सड़क दिखाई देती है, पूछ रहा हूं भारत से क्या चीख सुनाई देती है, पूछ रहा हूं भारत से क्या चीख सुनाई देती है, गौरैयों की हर उड़ान पर अब गिद्धों का पहरा है, अंधी सोच का कुआं देखो पातालों से गहरा है, तिल तिल कर मर रही सभ्यता रोज दुहाई देती है, तिल तिल कर मर रही सभ्यता रोज दुहाई देती है, पूछ रहा हूं भारत से क्या चीख सुनाई देती है, परियों की उखड़ी सांसे हैं बस आफत ही आफत है, परियों की उखड़ी सांसे हैं बस आफत ही आफत है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां बताओ राहत है। मोमबत्तियां नहीं हमें अब पाप जलाने होंगे, जड़ से मिटे समस्या वो आधार बनाने होंगे, शीत लहर से राहत चादर नहीं रजाई देती है, पूछ रहा हूं भारत से क्या चीख सुनाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंगाल में क्योंकि विपक्ष की पार्टी की सरकार है जो केंद्र में विपक्ष में है, तो क्या आवाज बुलंद नहीं होगी? देखिए, तेरा रेप मेरा रेप जब तक होगा तो यही हाल रहेंगे, चाहे बंगाल में हो चाहे बदलापुर में। बात बदले की नहीं है, बात कानून की है। जब चिन्मयानंद के ऊपर से रेप का केस हटा लिया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो सारे लोग मौन हो जाते हैं, किसी को कुछ बोलना नहीं होता है। जब ब्रजभूषण शरण सिंह बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा था तो चीत्कार सुनाई दे रही थी, तो संसद मौन थी, सड़क पे बेटियां थी। तो यही हालात होंगे, क्योंकि कानून का डर नहीं है, लोगों में भय नहीं है। हम बात करते हैं, हम सनातनी है, हम हिंदुस्तान नहीं, तो जब बंगाल में होगा तो पहले वो याद करें कि वहां क्या हुआ था। जो पहले हुआ उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दे दिए होते, चाहे वो सांसद हो चाहे सड़क पे चलने वाले लोग हो, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने तंदूर कांड किया, मैं ये भी नहीं कहूंगा कठुआ बलात्कारी को टिकट दे दिया, लेकिन ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है। बंगाल मुंह से बोलने में दिक्कत क्या हो रही है? इस ममता की निर्ममता पर कांग्रेस को मुंह से आवाज क्यों नहीं आ रही? आप कांग्रेस के पास मुंह है बोलने का? कांग्रेस के काले कारनामे हम कितने गिनाएं? आपकी काली माँ को हम देश को कितने बताएं? आप कहते हैं, भाई साहब कहते हैं सत्ता जहर है। जब आपके पास सत्ता थी तो सामो शहर थी, 60 बरस थी जब सत्ता शहर थी, और जब सत्ता चली गई तो जहर है। देखो, मैं तो लगातार चुनाव के बाद से देख रहा हूँ कांग्रेसियों में घमंड बहुत आ गया। अभी इन्होंने कहा 99 की पावर। आपको एक बात बताऊं, ये कांग्रेस गलतफहमी में, कई सीटें उसकी मेहनत से नहीं बल्कि किस्मत से आई हैं। एक फेसबुक पे आप लोगों ने पोस्ट देखी हो, स्क्रॉल करते करते बीच में आ जाती है कि उस कोई कारीगर या मजदूर होता है और ऊपर उसमें लिखा होता है कि फिल्म स्टारों के बच्चों को तो सभी लाइक करते हैं, आज देखते हैं इस मजदूर के बेटे को कौन लाइक करेगा, है ना? वही, हाँ वही, हाँ। तो राहुल जी लगातार चल तो, और खड़गे जी को देखिए, मतलब डिस्कवरी चैनल देख के आए, वो विशेष की बात कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए कुछ कही है कि इतने बड़े पद से क्यों ऐसी बात कही गई, अध्यक्ष जी पर तो जच नहीं रही है, उलझुलूल दे रहे बयान ऐसा लगता है, मैडम से कॉपी इनकी जच नहीं रही है। हाँ।
पहली बार कांग्रेस को इंडिपेंडेंट अध्यक्ष मिला है। इतना घमंड आ गया है कांग्रेस को, बेवजह के दंभ से ये बच नहीं रही है। अरे कोई इन्हें चूरन वूरन कुछ तो खिलाओ भाई, 99 सीटें इन्हें पच नहीं रही है। एक चीज और, सर राहुल जी में कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा है। हाँ। अब वो क्या करते हैं, ये तकते रहते कहाँ चुनाव हो रहा। अच्छा। और वहीं पहुंच जाते हैं, अभी जम्मू कश्मीर पहुंच गए। हाँ। कि हमें भी अपने गठबंधन में शामिल कर लो, है ना। वो जैसे आपने देखा हो कि बड़े बच्चे बड़े लड़के खेल रहे हैं और छोटे बच्चे पहुंच जाते हैं, भैया चाल नहीं देना, बैटिंग नहीं देना, हमें भी खिला लो हमें बस, है ना। तो वही इनका हाल है। मैंने एक छंद लिखा, सुनिए, कि जाके क्षेत्रीय दलों से गुहार करते हैं, शामिल करने के लिए उनको मनाते हैं। अच्छा। हाथ पर जोड़ने लगते हैं, तरस खा के कुछ सीट देते हैं, मगर दल राहुल जी को बार बार ऐंठ भी दिखाते हैं। राहुल जी को बार बार ऐंठ भी दिखाते हैं, छोटे छोटे दल भी तवज्जो नहीं देते इन्हें, इतनी बड़ी पार्टी की बेइज्जती कराते हैं। यूपी में भी हुआ था, इतनी नहीं देंगे, करना करो। छोटे छोटे दल भी तवज्जो नहीं देते इन्हें, इतनी बड़ी पार्टी की बेइज्जती कराते हैं। चुनाव को पता नहीं भंडारा समझने लगे हैं, चुनाव को पता नहीं भंडारा मानने लगे हैं। बिन बुलाए हर जगह दौड़े चले जाते हैं, बिन बुलाए हर जगह। देश की बेटियों की सुरक्षा की जो बात इन्होंने कही थी, मैं महिलाओं को भी कोई हिदायत नहीं दूंगा कि भवानी बन जाओ, दुर्गा बन जाओ, ऐसी कोई नहीं। मैं अपने भाइयों से, युवाओं से, लड़कों से अपील करूंगा, सुनिए। सोए सिंहासन पड़े हुए, हर मोड़ दुशासन खड़े हुए, आते जाते घबराती है, आहट से भी डर जाती है, गिद्धों की नजरें पड़ती हैं, खुद ही खुद में वो लड़ती हैं। पांचाली करती चीत कर तो कौन सुने उसकी पुकार, मत करो प्रतीक्षा ईश्वर की, खुद ही अवतारी बन जाओ, दुष्टों का कर दो सर्वनाश, अब तुम गिरधारी बन जाओ, अब तुम गिरधारी बन जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।